दिस इज़ कॉलेज गाइड और आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रिलेटेड या फिर बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारियां हम सबसे सटीक ही नहीं सबसे पहले भी देते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपडेटेड रहें और आगे रहें। देखो, अब कुछ कमेंट्स आए थे मुझे, जितनी भी पिछली वीडियो मैंने स्लाइड अप से रिलेटेड और बाकी वीडियोज अपलोड की थी उसमें कुछ कमेंट आए थे, तो मैंने उसमें से कुछ कमेंट्स को निकाला है। मुझे लगा कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कीर्तन कुणाल कह रहे हैं कि सर स्लाइड अप का ऑप्शन कब करेंगे, एडमिशन के बाद या पहले, प्लीज़ फास्ट बिकॉज टुमारो इज लास्ट डे। ओके ओके, देखिए कीर्तन कुणाल जी, स्लाइड अप जो आपको करना है वो एडमिशन नहीं लेना है उसमें। एडमिशन अगर आपने ले लिया तो स्लाइड अप करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर देखो, स्लाइड अप कर देना है, कोई जो भी स्लाइड अप का प्रोसेस है उसका मैंने पूरा वीडियो बना रखा है और उसको अब मैं लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस वीडियो को जा करके चेक करो और देखो कि स्लाइड अप का सही प्रोसेस क्या है, ठीक है। गलती कर दोगे तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। स्लाइड अप का सही प्रोसेस मैंने उस वीडियो में दे रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करें और उसके बाद अपना स्लाइड अप करें। आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, स्लाइड अप कर रहे हैं तो आपको एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, एडमिशन नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्लाइड अप करना है तो। चलिए अब अगला कमेंट ले लेते हैं। अगला कमेंट है, इनका मैंने जवाब भी दिया शायद, ठीक है। ओके सर, मैंने फर्स्ट मेरिट का कॉलेज में एडमिशन ले लिया है एंड मैं अपग्रेड के लिए भी अप्लाई कर किया है, ठीक है। ओके, अगर मुझे अपग्रेड वाला कॉलेज मिलता है तो पहले वाला रजिस्ट्रेशन का क्या होगा, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का अमाउंट वापस मिलेगा या नहीं? देखो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे देखो स्लाइड अप के लिए परेशान थे, स्लाइड अप आएगा कि नहीं आएगा, अंततः सबको लगा कि स्लाइड अप नहीं आएगा, लेकिन आज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने स्लाइड अप के बारे में 10 बजे के करीब नोटिस जारी कर दिया कि स्लाइड अप चालू हो गया, ठीक है। नोटिस वगैरह क्या जारी किया, उन्होंने सीधे स्लाइड अप ऑन कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे ने इससे पहले अपना एडमिशन ले लिया था। अब वैसे बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले लिया लेकिन वो सोच रहे थे कि यार मैं गलत जगह फंस गया हूँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी मेरे को एडमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे बच्चे अब चाहते हैं कि स्लाइड अप कर लें और उन्होंने एडमिशन का तो फीस पेमेंट कर दिया है। तो देखो क्या करो, अगर स्लाइड अप करते हो तो तुम्हारा नाम सेकंड लिस्ट में डेफिनेटली आएगा और पिछले कॉलेज से तो नाम हटेगा ही हटेगा। लेकिन देखो, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको पिछले कॉलेज से अपना जो TC या CLC है वो निकलवाना पड़ता है, यदि आपने जमा कर दिया है तो निकलवाना पड़ता है। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि देखो, ये गारंटी नहीं है कि आपका फ़ीस पूरा जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो वापस हो जाएगा। मेरे पास कई केसेस आए हैं जिसमें बच्चों का फ़ीस पेमेंट वापस हो गया है, कई केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें बच्चों को पेमेंट वापस नहीं हुआ है। अगर किस्मत सही साथ रही, देखो क्योंकि है तो दोनों पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में तो बाकी सारे कॉलेज से, तो तुम्हारा फ़ीस पेमेंट वापस हो जाना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कोई पक्की ठोस बात नहीं है कि आपका पेमेंट वापस हो भी जाएगा, तो ये गारंटी नहीं है कि आपका पेमेंट वापस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एडमिशन आपका जो अपग्रेडेड लिस्ट में आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आएगा, उसमें हो सकता है, ठीक है। ओके, अब अगला देख लेते हैं कमेंट क्या है भाई। अगला कमेंट हमारे पास ध्रुव रॉय स्टेटस, हो क्या बड़ा सा नाम है, चलो देख लेते हैं। सर, मेरा नालंदा तरफ भेज दिया है तो क्या मेरा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से स्लाइड अप हो सकता है? देख लो भाई, ध्रुव भाई, ऐसा है कि नालंदा में भी पाटलिपुत्र के ही एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, अनएफिलेटेड कॉलेजेस हैं, दरभंगा नालंदा के आसपास भी हैं, तो ऐसे केस में वहाँ पे आपका हो सकता है चला गया हो कम परसेंटेज की वजह से, या फिर आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करने में गलती की होगी। देखो क्या करना है, आप अगर यदि आप स्लाइड अप करते हो तो आपको एडमिशन तो कतई नहीं लेना है, स्लाइड अप करने वाले बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, एडमिशन लेने के बाद फिर स्लाइड अप का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है फीस डबल लग जाए। मैंने पिछले कमेंट का भी यही जवाब देते हुए बताया था आपको, आपको क्या करना है कि आपको स्लाइड अप कर लेना है और स्लाइड अप करने के बाद आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसके हिसाब से आपको एडमिशन ले लेना है। स्लाइड अप का चांस बिल्कुल है, नालंदा भेज दिया हो या कहीं भेज दिया हो, अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपका स्लाइड अप का चांस है, आप स्लाइड अप का इस्तेमाल करें। और ये चांस ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, लास्ट डेट 14 तारीख ऑफिशियल है, भले वो डेट बढ़ेगी लेकिन आपको उससे पहले अपना काम कर लेना है, ठीक है। अब अगला कमेंट हमारे पास ब्यूटी टिप्स, अच्छा ठीक है, इनका भी लगता है यूट्यूब चैनल है। सर, मैं एडमिशन पेमेंट कर चुकी हूँ बट कंफर्मेशन मैसेज या मेल नहीं आया हुआ है, मैं स्लाइड अप कर चुकी हूँ और जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ हो रहा है, एक मिनट काम करता हूँ, मैं पूरा ये कमेंट निकाल लेता हूँ। हाँ, तो ये पूरा कमेंट आ गया, ये कह रही हैं कि एक मिनट, सर मेरा मैंने एडमिशन पेमेंट कर चुकी हूँ और बट कंफर्मेशन मैसेज या मेल नहीं आया हुआ है, मैं स्लाइड अप कर चुकी हूँ और जो मुझे कॉलेज अलॉट हो रहा है वहाँ पर एडमिशन क्लोज बता रहा है, तो क्या मेरा नाम सेकंड लिस्ट में आएगा? देखो, ऐसा है कि आपका स्लाइड अप के बाद सेकंड लिस्ट में नाम आना तय है, लेकिन ये जो आपका मेल या कंफर्मेशन कोड की बात है, ये देखो ये सॉल्व होगा 24 से लेकर के 72 घंटों के भीतर, जब भी आपने अप्लाई किया है उसके 24 से 72 घंटों के भीतर, मतलब 2 से 3 दिन में मैक्सिमम। आप देखोगे कि अगर आपने 6 बजे शाम को अप्लाई किया है तो अगली सुबह 10-8 बजे तक आपका मैसेज या ईमेल आ जाएगा, इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। बात रही कि आपने स्लाइड अप कर दिया, आपका सेकंड लिस्ट में नाम आएगा या नहीं, सेकंड लिस्ट में आपका नाम आएगा और आपको फर्स्ट लिस्ट के अनुसार जो अगर यदि आपने एडमिशन ले लिया है
तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आपने एडमिशन ले लिया है तो पेमेंट भी कर चुके हैं, तो हो सकता है कि अगर सही सारी चीज़ें रहीं तो आपका पेमेंट जो है वो वापस हो जाएगा और आपका नए कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हो सकता है कि आपको डबल पेमेंट करना पड़ जाए, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम आएगा जिस कॉलेज में, आपको वहाँ पर एडमिशन लेना होगा, ठीक है। तो सारे कमेंट्स जितने भी थे मैंने जवाब दे दिए हैं उसके। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप आशा करता हूँ आपसे कि आपके सारे सवाल के जवाब मिले होंगे। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुँचा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको जाकर के एक बार विजिट करें। कम से कम आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्सिटी के आसपास, कॉलेजेस के आसपास क्या चीज़ें करनी है। और जल्दी मैं कॉलेज रिव्यू के बारे में भी सोच रहा हूँ। यदि आप कमेंट करके बताएंगे, यदि आप लाइक करके बताएंगे वीडियो को कि आप चाहें, तो मैं सभी तरह के जितने भी अलग अलग कॉलेजेस हैं उनका रिव्यू भी वीडियो बना करके डालूंगा कि किस कॉलेज में क्या सुविधाएं हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं।